हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चूरमे के लड्डू। आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2 कप गेहूँ का आटा यानी कि व्हीट फ्लार। आटे को यहाँ पर मैंने छान कर काम में लिया है यानी कि स्ट्रेन कर लिया है, आप भी छान कर ही काम में लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप घी, दोनों को एक ही कप की मेजर से लिया है, 1 कप घी और 2 कप गेहूँ का आटा। आटे के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून घी, और कप की मेजर से देखें तो 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आटे के अंदर मोयन डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बनेगा। अभी घी को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथ से। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आटे की बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, यानी कि इसके अंदर परफेक्ट मोयन है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। पानी आप एक साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसको हाथ से अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो अच्छे से लग गया है, इसको हम अच्छे से मथेंगे हाथ से इस तरह से, एकदम सॉफ्ट है। इतना आटा लगाने में हमें 3/4 कप पानी लगा है। और अब हम इसकी बनाएंगे पिंडोलिया। तो छोटे छोटे इसके हम लोई ले लेते हैं, आटे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हाथ में इस तरह से हम इसको मसलेंगे अच्छे से। और अब आप देख सकते हैं मैं इसकी पिंडोलिया बना रही हूँ। हाथ हथेली में लेके आप इसको इस तरह से प्रेस करिए फिंगर्स से, ये देखिए इस तरह से। हमारे यहाँ पर इसको पिंडोलिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी पिंडोलिया बना करके तैयार कर ली है। तो सारी पिंडोलिया तैयार है, अभी हमें इसको फ्राई करना है। तो कढ़ाई के अंदर बाकी का सारा बचा हुआ घी ऐड कर लेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम पिंडोलिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गरम करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी हाफ बैच में पिंडोलिया को ऐड किया है। धीमी धीमी आंच पर ही पिंडोलिया को हमें फ्राई करना है। एक साइड जब हल्की सी सिक जाए तब इसको हमें पलट देना है, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहेंगे एकदम सुंदर सा कलर आने तक। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करिएगा, जल्दबाजी में नहीं इनको फ्राई करिएगा वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं पिंडोलिया का कलर बहुत ही सुंदर आया है, हमारी पिंडोलिया फ्राई होकर के तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। तो चलिए इसको हम घी से निकाल देते हैं। तो ये हमारा एक बैच फ्राई होकर के तैयार है, इसी तरह से बाकी के पिंडोलिए भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंड बैच मैं फ्राई कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है। अगर आपको लग रहा है कि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस को बंद करके वापस उसको हल्का सा गर्म करके फिर है आप पिंडोलिया को फ्राई करिएगा। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है, अभी पिंडोलिया को हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पिंडोलिया अंदर से कितना सॉफ्ट है, ऊपर से हल्का सा क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से सारे के सारे पिंडोलियों को हम इस तरह से हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अभी हमें इसका चूरमा बनाना है, तो मैं इसको मिक्सी के जार में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी का जार छोटा है तो आधे आधे बैच में करिए। अभी हमें इसको प्ले पॉज करके इसका चूरमा बनाना है, एकदम बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आटा नहीं करना है इसका,
दानेदार चूरमा बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इसको ज़्यादा क्रश नहीं किया, हल्का सा ही क्रश किया था, प्ले पॉज करके मिक्सी को। तो ये हमारा चूरमा तैयार है। अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हमने जिस घी में पिंडोलिया को फ्राई किया था उसमें से हम करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच एक बड़ी कढ़ाई में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब घी ले लिया है और बाकी का घी जो है वो हम सिरप बनाने के लिए काम में लेंगे, चाशनी बनाने के लिए काम में लेंगे। और जो हमने यहाँ पर चूरमा बनाया है मिक्सी के जार में, वो घी के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। चूरमा को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। इससे क्या होगा, चूरमा के लड्डू के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हल्का सा चूरमे के अंदर क्रंचीनेस रहेगा। तो आप देख सकते हैं चूरमा का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और जो दूसरी कढ़ाई में जिसमें हमने पिंडोलिया फ्राई किया था उसमें बाकी बचा हुआ घी है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप गुड़। तो यहाँ पर मैं गुड़ का आपको माप बता देती हूँ। हमने 1 कप घी लिया है, 2 कप आटा लिया है और 1 कप लिया है गुड़। जितना आटा है उसका आधा गुड़ लेना है। यहाँ पर मैंने देसी गुड़ लिया है, गुड़ के बड़े बड़े टुकड़े थे उसको मैंने क्रश कर लिया है, कूट लिया है, उसके बाद ही काम में लें। अगर आप बड़े बड़े टुकड़े ऐड करेंगे डायरेक्ट तो सिरप बनने में देर लगेगा और चाशनी जो है वो चाशनी को बनने में देर लगेगी और चाशनी जो है वो कड़क हो जाएगी। तो हमें गुड़ को इसके अंदर अच्छे से मेल्ट करना है घी के अंदर। गैस की फ्लेम धीमी ही रखेंगे, बस अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए इतना ही हमें इसको पकाना है, कोई हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो मेल्ट होने लगा है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, कोई भी छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े या चंक्स नहीं रहने चाहिए। बस इसको अच्छे से आप मेल्ट कर लीजिए घी के अंदर। तो ये गुड़ जो है वो घी के अंदर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी स्पैचुला को छोड़ना नहीं है। तो ये परफेक्ट हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है, गुड़ की सिरप। और अब इस गर्मा गर्म गुड़ की चाशनी को हमें चूरमे के अंदर मिक्स कर लेना है। तो स्पैचुला से हम चूरमे के अंदर गुड़ के सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस कढ़ाई के अंदर ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बर्तन में निकाल दिया था, कढ़ाई से शिफ्ट कर दिया था मैंने चूरमे को। जल्दी से आप गर्मा गर्म सिरप को चूरमे के अंदर मिक्स कर लीजिए। चूरमा भी इस टाइम गर्म है और सिरप भी एकदम गर्म है, दोनों को गर्म गर्म में ही मिक्स करना है। और एक सबसे ज़रूरी टिप, सबसे ज़रूरी स्टेप, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून गर्म गर्म उबलता हुआ पानी। इसकी जगह पे आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने एकदम गर्म खौलता हुआ, एकदम उबलता हुआ पानी लिया है 2 टेबलस्पून। इससे हमारे लड्डू जो है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। कई बार क्या होता है, हम इस तरह से चूरमे के लड्डू बनाते हैं तो जब लड्डू बनने के बाद हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी पूरी चूरी हो जाती है, उसका एक एक दाना बिखरने लगता है। ये गरम गरम पानी डालने से क्या होगा, लड्डू की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी। तो यहाँ पर हमने पानी को भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है, अभी भी ये गर्म है, इसको हल्का सा मैं ठंडा होने दे रही हूँ, उसके बाद में इसके मैं लड्डू बनाऊँगी। एकदम गरम गरम से हम लड्डू नहीं बना पाएंगे और चूरमा जो है वो हल्का सा ठंडा हो जाए तब तक। यहाँ पर हमने खसखस ले ली है 1 छोटी चम्मच, 1 टीस्पून के करीब, इसको हमें हल्का सा गरम कर लेना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, इसका हमें हल्का सा कच्चापन दूर कर लेना है। तो पैन में इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है और हमने खसखस को रोस्ट कर लिया है। अभी हमारा जो चूरमा का मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, अभी भी गर्म है, हल्का गर्म है। और अभी हम इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट बाइंडिंग आ रही है ना, ये बाइंडिंग जो है वो हमने लास्ट में गर्म पानी डाला था उसके कारण आई है। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट
चूरमा का लड्डू बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी हम इसको कोट करेंगे खसखस के साथ। खसखस पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ में ऐड किया है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। मिक्सचर को एकदम ठंडा पानी की तरह ना होने दें, हल्का गर्म हो उस टाइम आराम से आप इसके लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो है ना कितनी सरल रेसिपी, एकदम टेस्टी और हेल्दी चूरमा के लड्डू हमने सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से इसको बना करके तैयार किया है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये लड्डू जो है हम इसको बिना फ्रिज के 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, बहुत दिनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। 15 से 20 दिन तक आप इसको बिना फ्रिज के आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ।